श्रीवी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदा और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावरीउल्ला नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। ये जो लेक्चर अभी दिया जा रहा है ये एक लेक्चर क्लास 2 के लिए है। क्लास 2 अपने थर्ड लेक्चर में इन्वॉल्व हो जाएं, बुक्स निकालें अपनी अपनी मैथमेटिक्स की। और 18 एक्सरसाइज नंबर में आज हम जाएंगे और एक्सरसाइज नंबर 18 में देखेंगे कि वहाँ हमें क्या सिखाया जा रहा है, हम क्या सीखेंगे वहाँ से। एक्सरसाइज नंबर 18 पेज नंबर 69, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करना, सब्ट्रैक्शन सीखना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें आपके पास तीन पार्ट बने हुए, एक एच है, एच एस फॉर 100, टी फॉर टेंस, ओ फॉर 1। अब यहाँ पे तीन नंबर्स लिखे हैं, 3, 6, 3, और इसके नीचे हमारे पास है 1, 5, 2। सब्ट्रैक्ट करना है, ये निशान सब्ट्रैक्शन का है और आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट से मुराद होता है कि हम किसी नंबर में से कोई नंबर निकाल लेते हैं। अब जैसे अब आपको कहा जाता है कि आपके पास 3 रुपये हैं, तो 3 रुपये में से आप 2 रुपये निकाल लें तो आपके पास कितने रुपये बच जाएंगे। तो आपके पास 3 रुपये अगर होंगे, आप 2 रुपये की चीज़ ले लेंगे तो आपके पास कितने रुपये बच जाएंगे, 1 रुपये। इसी एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास 6 टॉफियाँ हैं, 6 टॉफियों में से 5 टॉफियाँ आपने खा ली तो आपके पास कितनी टॉफी बच गई, आपके पास 1 टॉफी बच गई। इसी तरह से अगर आपके पास 3 बुक्स हैं, 2 बुक्स आपने बैग में रख दी तो आपके पास कितनी बुक बाहर रह गई, 1 बुक बाहर रह गई। इसी तरह से यही सब्ट्रैक्शन होती है। अब आप इसका बहुत सारा तरीका है, किसी भी तरीके को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। अब देखें आप एक तरीका क्या है, यहाँ देखें 3 में से आपको क्या माइनस करना है, 2। तो सबसे पहले क्या कर लें आप, 3 लाइन्स ड्रॉ कर लें, 1, 2, 3, 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। कितनी को आप इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है, ये वाला नंबर पहले डालेंगे और इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस जितना भी नंबर होगा इतने नंबर को आप काट दीजिएगा, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, कितनी लाइन बच गई आपके पास, 1, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड में आपके पास क्या है, 6, तो आप 6 लाइन्स ड्रॉ कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी लाइन्स माइनस करनी है, 5, तो 5 लाइन्स आप काट दें, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी लाइन बच गई आपके पास, 1। फिर आपके पास क्या है, 3 लाइन्स आपने ड्रॉ कर लेनी है, कितना आपने माइनस करना है, 1 आप माइनस कर देंगे तो कितनी लाइन बच जाएगी आपके पास, 2। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह से आप लाइंस के थ्रू इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लाइंस ड्रॉ करें, लाइंस में से लाइन माइनस करें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम मूव करेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास जो सिलेबस आपको स्कूल से मिलेगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। उसमें से आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। जैसे इसमें आपके पास 1, 2, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस हैं, आपके पास 1 से 5 तक क्वेश्चन इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाइएगा।
अब इसमें हम अगले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 20। एक्सरसाइज नंबर 20 में देखें क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, अ फिशरमैन कॉट 325 फिश एंड सोल्ड 198 ऑफ देम, हाउ मेनी फिश डज ही हैव लेफ्ट। मतलब क्या है, एक फिशरमैन मछली पकड़ने वाले को कहते हैं, उसने 325 फिश पकड़ ली और उसमें से 198 जो है वो उसने सेल कर दी। 198 क्या कर दी उसने, सेल कर दी। तो अब आपने बताना है कि उसके पास कितनी मछलियां बच गई, कितनी मछलियां बच गई। अब आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ गए एक्सरसाइज नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहला पार्ट क्या है, फिशरमैन ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं, 325। तो क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन डालेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद। फिशरमैन काउट, कितनी मछलियां पकड़ी है उसने, 325 फिश। और फिशरमैन ने बेच कितनी दी, सोल्ड। सोल्ड मीन्स क्या होता है, बेच देना। ही सोल्ड, कितनी उसने सेल की, 198 फिश। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, 328 में से, 325 में से 198 माइनस कर देना है। सो माइनस कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास, अब देखें हमारे पास कंडीशन क्या है, 5 में से हमें क्या माइनस करना है, 8। 5 में से 8 कैसे माइनस करेंगे हम, 5 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास, अगर कोई कहता है कि आपके पास 5 ट्रॉफियां हैं और आपसे कहा जाता है 5 ट्रॉफियों में से 8 ट्रॉफियां दे दें, तो 5 ट्रॉफियों में से 8 ट्रॉफियां कैसे देंगे, 5 तो ट्रॉफियां ही हमारे पास हैं। इसका मतलब ये है, जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास ऊपर छोटी वैल्यू हो और नीचे बड़ी वैल्यू हो, अब देखें आप बताएं कि 5 छोटी वैल्यू है या 8 छोटी वैल्यू है, तो 5 छोटी वैल्यू है। अगर ऊपर छोटी वैल्यू आ जाए और नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए तो बोरो सिस्टम अप्लाई करते हैं हम। बोरो कैसे करते हैं, क्या कर देंगे, 5 में से अगर 8 माइनस नहीं कर सकेंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे 1, और ये 1 क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 8। आप क्या कर लें, पहले 15 लाइंस ड्रॉ कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और उसमें से देखें क्या आपको माइनस करना है, 8 लाइन माइनस कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या बच गया आपके पास, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7। बोरो करने से होता क्या है, अब जैसे हमने यहाँ से बोरो किया था, किस में से बोरो किया था, 2 में से, अगर 2 में से आपने 1 बोरो किया था तो ये खुद 1 हो गया, ये 1 हो चुका है। क्यों ये 1 हो चुका है, क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था, अब ये 2 नहीं है बल्कि ये क्या लिखा है, 1। अब 1 में से आपने 9 माइनस करना है, क्या ये पॉसिबल है कि 1 में से हम 9 माइनस कर दें। अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास 1 टॉफी है और 9 टॉफीज आपसे मांगी जाती हैं, तो आपके पास 1 है तो आप 9 कैसे देंगे, तो ऐसी सूरत, फिर वही कंडीशन आ रही है कि 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है, 9 बड़ी वैल्यू है, इससे आपको फिर बोरो करना पड़ेगा। आप यहाँ से फिर 1 बोरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से आपको क्या माइनस करना है, 9,
फिर आप 11 लाइंस ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 9 लाइंस माइनस करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास कितनी लाइंस बच गई, 2, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। अब उसके बाद इसने भी दिया हुआ था इसको एक, इसने बोरो कहाँ से किया था, 3 में से किया था, तो 3 एक्चुअल में क्या हो गए, 2 में से आपने अब क्या माइनस करना है, 1, 2 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू होती है और 1 छोटी वैल्यू होती है, 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, 1। तो आपके पास फिशरमैन के पास कितनी मछलियां बच गई हैं, 127 फिश। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 1, और इसका एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप होमवर्क में एज इट इज जैसे ये बनाएं इसको इसी तरह से फॉलो करते हुए बना सकते हैं। क्लास टू के लिए जो थर्ड लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे वो आपका कौन सा लेक्चर होता है।